यू इडियट, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरा नाम ब्लैकबोर्ड पर लिख दिया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तुम मुझे अगर नहीं मिली तो किसी और के भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। ऐसा कर दूंगा। नो लव नो मैरिज स्टे हनीमून। छोड़ो मुझे। नो आजा आजा भगवान बहुत बड़ा है। अच्छे लोगों को तकलीफ में सहारा देता है और बुरे लोगों को सुख में भी तकलीफ देता है। तुमने बोला था कि तुम्हारा लकी नंबर 7 है। अगर 7 सेकंड मुझे देर हो जाती तो तुम इस जन्म में मंगल सूत्र पहनकर अपने पति के साथ चलने का मौका खो देती। तुमने जब बेट लगाई थी तभी मुझे शक हुआ था कि यह तुम्हारा कोई प्लान है, लेकिन मेरी जान पे बनाई गया ऐसा नहीं सोचा था मैंने। इट्स ओके। अरे रो क्यों रही हो? देखो, दूसरों का बुरा सोचोगी तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा। गुड बाय राजा। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखो, पहली बार धोखा खाने वाले को बेवकूफ कहते हैं, दूसरी बार धोखा खाने वाले को पागल कहते हैं और तीसरी बार धोखा खाने वाले को ना समझ कहते हैं। मुझे ना समझ बनना पसंद नहीं। चलता हूं।
छोड़ो, जब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। छोड़ो राजा। नहीं, तुम मर नहीं सकती, तुम्हें जीना पड़ेगा। सॉरी राजा, आई एम वेरी सॉरी। आई लव यू राजा, आई लव यू, आई लव यू राजा, आई लव यू। कोई बात। हेलो, मैं हूँ बेटी, तेरा मामा। कैसे है मामा जी? मुझे क्या होगा बेटी, मालिनी देवी के घर का खाना और जब चाहे सोना, इसलिए मेरा पेट तो एक ऊंचे पहाड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। भैया, मैं भी बात करना चाहती हूँ। बेटी जरा एक मिनट, मम्मी बात करेगी। हाँ हाँ रानी। हाय मामी, हाउ आर यू? फाइन फाइन, वेरी गुड। आखिरकार तुम्हारा स्वयंवर हो ही गया। भारत के कोने कोने से ढूंढ कर हमारी योग्यता के हिसाब से और तेरे लेवल के 10 लड़कों को सिलेक्ट किया है बेटी। तू एक बार यहाँ आकर टॉप 10 लड़कों में से एक को चुन लेगी तो अच्छा रहेगा। टॉप 10? सॉरी मामी, आपके सिलेक्शन में टॉप 10 लड़के हैं, लेकिन उन सब के ऊपर जो है उसे आपने नहीं देखा। क्या कहा, इनके ऊपर भी एक है, वो अच्छा तो है ना? हाँ मामी, वो बहुत अच्छा है। He is one and all in one. Made in India, trade in London. We are made for each other, mommy. ऐसे हीरे को तुमने सिलेक्ट किया है? बहुत खुशी हुई बेटी। वो कौन है बेटी? मैडम, 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 भैया, 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 रानी बात नहीं कर रही। हेलो, हेलो रानी। हेलो। अरे बात क्यों नहीं कर रही है बेटी? मैडम अचानक से बेहोश होकर गिर गई। क्या हुआ भैया? वो अचानक बेहोश होकर गिर गई। ए ड्राइवर, जल्दी से कार निकाल। हाँ चलो। रानी, डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? सॉरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, इसलिए मैं इस वक्त कुछ भी नहीं कह सकती। आई एम सॉरी। डॉक्टर, ओह माय गॉड, शी गॉट एन अटैक। अटैक? लव अटैक। हार्ट अटैक तो सुना था, ये लव अटैक क्या होता है? तुम जैसे गुजरे हुए केस रिटायर्ड पर्सन को ये बात समझ में नहीं आएगी। दिस इज इररेगुलर। करोड़ों में से किसी एक को ही ऐसा अटैक आता है। दिस इज लव अटैक। हमारे प्राचीन हिंदू पुराण में दुष्यंत महाराजा शकुंतला को छोड़कर गए थे, तब उसे ऐसा ही अटैक आया था। अभी अभी इसे भी वही अटैक आया है। फिर डॉक्टर, मेरी बेटी। हाँ, इस लव अटैक का कारण है राजा। हाँ, वो राजा इसके दिल में फंस गया है। इसके लीवर में, किडनी में, खून के कतरे में, बॉडी के हर पार्ट में वो समा गया है राजा। राजा ही डॉक्टर है, राजा ही मेडिसिन है। अगर उसकी एक आवाज इसके कान में पड़ गई तो ये लव अटैक कम्प्लीटली चला जाएगा। रे 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 रे, लगता है बच्ची को गर्मी ज्यादा लगने की वजह से बहुत सारी भाप निकल रही है। क्या ये जिंदा बच पाएगी? गलती हो गई। मैं हूँ ना, मैं इसके कान में डिंग डिंग ऐसा मंत्र कहूंगी, लेकिन वो सिर्फ एक घंटे तक ही काम करेगा। इस बीच आप इसे राजा के पास ले जाइए। राजा, झटमट झटमट टक दिन टक दिन, टक 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 टक, डिंग डिंग डंग। हाँ